है। तो ये तरीका है बेंजल्डिहाइड फॉर्म करने का तरीका। अब इसकी रिएक्शन को देखिए, जैसे किस तरह की रिएक्शन इसको होगी आपने समझना है। देखिए इसमें, देखिए जैसे ये मेथिल बेंजीन है, ये बेंजीन नहीं है, ये CH3 हमने लगा दी, ये मेथिल बेंजीन हो गई। इसकी ब्रोमिल क्लोराइड से CrO2CL2 से रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड CH2। CH2 यहाँ पर सॉल्वेंट की तरह काम यूज होती है, यहाँ पर को ये बेंजीन नहीं है। इस पे देखिए ये CH है, इस पे आपका एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा OCrOHCl का ट्वाइस, HCl2 का ट्वाइस। ये एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन गया, इसको बोलेंगे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। फिर ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स की आगे हाइड्रोलाइसिस होगी, यानी कि H3O पॉजिटिव से रिएक्शन होगी, तब जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजल्डिहाइड में। इस रिएक्शन को आपने समझना है। अच्छा एक बात और होती है, इसकी जगह पे आप एक दूसरा भी रिएजेंट यूज कर सकते हैं। ये जो रिएक्शन थी, ये जो थी आपकी रिटार्ड रिएक्शन। अब इसमें एक बात समझनी है, आप इसका यूज कर सकते हैं, CrO3 का यूज कर सकते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड, इसे बोलेंगे क्रोमिक ऑक्साइड। इस क्रोमिक ऑक्साइड का आप यूज कर सकते हैं, कैसे, जैसे ये आपकी मिथिल बेंजीन है, इसमें CH3 लगी है प्लस CrO3, इसके साथ टेम्परेचर 273 से 283 केल्विन टेम्परेचर लेंगे, और साथ में यहाँ पर वो एनहाइड्राइड, ये वो एनहाइड्राइड लेंगे, CH3CO का होता है, इसको एनहाइड्राइड लेंगे। इसमें क्या होगा, इस तरह का कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। ये जो बेंजीन रिंग है, इसकी इस पोजीशन पे लगा दीजिए CH, और क्योंकि ये भी कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो OCHO CH3 ट्वाइस ये लग जाएगा इस पे, समझ आ गया। इसके लिए हाइड्रोलाइसिस कर देंगे आप, H3O पॉजिटिव से रिएक्शन करा देंगे, तो फिर आपका ये भी बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। साथ में एक एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे ट्वाइस CH3COOH। जो लास्ट, आज हम लास्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, बाय क्लोरोनेशन। क्लोरोनेशन कर रहे हैं, जैसे ये बेंजीन लेंगे, देखिए इसमें CH3 यानी कि मेथिल बेंजीन हो गई, CN2OH से रिएक्शन कर रहे हैं, ध्यान देना CN2OH से कर रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन के तोड़ेगा, फ्री रेडिकल बनाएगा उधर, और CH उसमें दो Cl जोड़ देगा, CHCl2। इस CHCl2 के फिर कराएंगे हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे H2O से, टेम्परेचर ले लेंगे 373 केल्विन पे ले लेंगे, तो ये दो Cl को हटा के दो OH लग जाएंगे उस पर, दो Cl को हटा के CH में दो OH लग जाएंगे। आप जानते हैं जब एक ही कार्बन पे दो OH लग जाते हैं तो ये कंपाउंड स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है, इसलिए इसको ऐसे ब्रैकेट में रखिए, ये अनस्टेबल कंपाउंड है। अब इसमें से OH के दोनों हट जाएंगे और वहां पर क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ऐसे डबल बॉन्ड OH, ये आपका बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। इसके बाद एक लास्ट रिएक्शन आती है, आज की लास्ट मतलब, उसे हम बोलते हैं गटरमैन कोच। देखिए इस चैप्टर में बहुत सी नेम रिएक्शन आएंगी, चार पांच तो मेरे ख्याल से अभी तक आ चुकी हैं, तो लास्ट इसमें आती है जिससे बनाते हैं बाई गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है, आपने ये बेंजीन लिंग ली, इसकी रिएक्शन आपने कार्बन मोनोऑक्साइड से कराई इन प्रेजेंस ऑफ HCl और एनहाइड्रस AlCl3 का भी इस्तेमाल आपने किया, साथ में CuCl2 कॉपर का क्लोराइड लिया, तब जाके इससे ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगी CHO। तो ये हमने एल्डिहाइड कीटोन प्रिपरेशन मेथड पढ़ी, अभी हमारी इसमें कुछ कीटोन की दो चार प्रिपरेशन मेथड बची हैं, वो पढ़ेंगे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है।